जी, हमने आपको लास्ट एक असाइनमेंट दी थी, एंड जो अभी जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये असाइनमेंट कंप्लीट करें, ठीक है, और उसके बाद आप जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर्स पे आएँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वीडियोस देख लेंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे या असाइनमेंट का सलूशन यहाँ से देख लेंगे तो फ़ायदा नहीं, आपकी लर्निंग नहीं होगी। सो मैं अब ये असाइनमेंट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मेरी असाइनमेंट ये थी कि हमने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट लिए हुए हैं, सॉरी, हमने इनपुट बॉक्स लिए हैं। एक का नाम रखा है फर्स्ट नेम, एक का नाम रखा है लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लेबल ऐड करता हूँ, लेबल का एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे एक लेबल ऐड करता हूँ लास्ट नेम। ओके जी, इसके बाद यहाँ पे देखें क्या हमारे पास आउटपुट आ रही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जो मैं इसमें ऐड करूँगा, जो इसमें ऐड करूँगा टेबल के अंदर, वो चीज़ें ऐड हो जानी चाहिए। मेरे टेबल का नाम है एम्प, तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन ऐड रो, ठीक है जी। मैं ऐड रो का एक फंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या काम करना है, मैं इसी बटन पे से कॉल करूँगा ऐड और ऐड रो, ठीक है जी। इस फंक्शन के ऊपर मैं इसको, इसमें काम हम ये करेंगे कि पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे टेबल के नाम से, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका नाम हम रखेंगे, इसका नाम यही है एम्प। एम्प से हमें टेबल मिल गया। फिर मैं कह रहा हूँ जी, मेरे पास आएगा, हमने यहाँ पे अब क्रिएट एलिमेंट करना है टी आर, वी आर टी आर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर हम करेंगे टी आर का एलिमेंट है, और फिर हम करेंगे वी आर टी डी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टी डी, ये एलिमेंट क्रिएट हुआ है। अब मैं करूँगा टी डी डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह ये आ गया इनर एच टी एम एल टी डी की, और इसी तरह मैं एक ओ टी डी लेता हूँ, टी डी टू, टी डी टू, टी डी टू डॉट इनर एच टी एम एल डक, और ये हमारे पास आएगा लास्ट नेम। सो अब हमारे पास दोनों टी डीज आ चुके हैं। हम ये करेंगे कि टी आर डॉट अपेंड चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं फर्स्ट टी डी ऐड करूँगा, फिर मैं कहूँगा टी आर डॉट अपेंड चाइल्ड सेकेंड टी डी ऐड करूँगा, और उसके बाद मैं कहूँगा जी टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड, तो मैं यहाँ पे जो है वो टी आर को ऐड कर दूँगा। तो लेट्स सी, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसके अंदर। तो मैं ये कहता हूँ जी अली इमरान ऐड, तो ये अली इमरान आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी शाहिद आफरीदी, तो ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, जैसे ये ऐड करे तो इनको खाली करने के बाद यहाँ पे फोकस ले आए दोबारा, ठीक है। तो ये भी एक नई चीज़ इसमें देखते हैं। तो उसके बाद ये काम करेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी फर्स्ट नेम, बल्कि ये अगर हम इसको बार बार लिखने की बजाय हम अगर यहाँ पे इसको थोड़ा बेटर कर लेते, मैं कहता हूँ जी वी ए आर, नहीं बल्कि ठीक है, ओके, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी कर दें, और इसी को हम कहते हैं जी लास्ट नेम, लास्ट नेम डॉट वैल्यू आके एम्प्टी होगी। और फिर मैंने इसे ये कहा है कि फर्स्ट नेम में फोकस भी मेरा ले आए, तो ये एक नई चीज़ अभी आप लर्न करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या है, मेरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी डॉट फोकस, ये है जी आपका फोकस इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट नेम के अंदर। तो लेट्स सी वंस अगेन, अली इमरान ऐड किया और ये क्लियर हो गया, फोकस आ गया,
शाहिद अफरीदी, ये भी फोकस आ गया, ठीक है। शाहिद जब्बार, ये भी फोकस आ गया हमारा इसके अंदर वापस। तो ये है जी हमारे पास डॉम की जो है मैनिपुलेशन की एक असाइनमेंट। तो ये जिसने नहीं की ये असाइनमेंट या अभी देख रहा है, तो एक और असाइनमेंट मैं यहाँ पे अब दे रहा हूँ आपको। वो असाइनमेंट ये है कि आपने, अब थोड़ी सी हैवी असाइनमेंट हो जाएगी असल में, आप थोड़ा सा काम भी इसमें करें, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो किस तरह चीज़ें जो है वो जो है ऐड और इस तरह हो रही है सारा कुछ। अब आपने ये काम करना है कि आप इस डाटा में जब किसी भी रो पे क्लिक करें, ठीक है, किसी भी रो पे क्लिक करें या यहाँ पे आप एडिट का बटन लगाएं, इस जगह पे आपने एडिट का बटन लगाना है। जब भी आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस रो में जो डाटा होगा वो इधर वापस आ जाए, ठीक है। डाटा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिट पे, आपने इस एडिट पे क्लिक करने के बाद वो डाटा यहाँ पे आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एडिट पे क्लिक किया, अली इधर आ जाए, इमरान इधर वापस आ जाए, और यहाँ पे एक और बटन लगाएं आप अपडेट का। जब आप इसके अंदर चेंज करें तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी रो का ये डाटा है जिसको आपने चेंज किया है। तो आप अपडेट पे क्लिक करें तो डाटा आपका यहाँ पे वो अपडेट होके आ जाए। सो ये अब आपने खुद देखना है कि क्या है। आपको हिंट थोड़ा दे देता हूँ, आप यहाँ पे एक और आईडी भी ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की, यहाँ पे आईडी ऐड कर सकते हैं जो आईडी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आईडी जो आपने एक दे दी है यानी आईडी का कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी वो चेंज नहीं होगा, एक ही रहेगा। तो उससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा, फाइंड करने में आसानी होगी कि कौन सा एट्रीब्यूट है। यानी आप यहाँ पे एक एलिमेंट इसका एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पे ऐड कर लें और उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। इस असाइनमेंट का सलूशन आपको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, जो असाइनमेंट नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसी असाइनमेंट का ये जो पार्ट है तो ये आप मुझे सबमिट करवा सकते हैं। तो ठीक है, लेट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।